बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक जो कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बीएस ऑनर्स और टू इयर्स बीएससी प्रोग्राम का हिस्सा है, उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसका जो टॉपिक है वेक्टर रेसिप्रोकल ट्रेड सिस्टम उसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने वेक्टर रेसिप्रोकल ट्रेड सिस्टम को डिफ़ाइन किया और वहाँ पे मैंने आपको बताया ए डैश बी डैश सी डैश और उसके फार्मूले क्या हैं। वहाँ पे ए डैश को हमने डिफ़ाइन किया था बराबर होगा बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी। बी डैश को डिफाइन किया हमने सी क्रॉस ए ओवर ए बी सी एंड सी डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए बी सी वेयर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर तो इसलिए इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये जीरो के बराबर नहीं होगी, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। अब आज हमें तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, ये तीन वेक्टर्स हैं, इनके सेट ऑफ रेसिप्रोकल ट्रेड्स निकालना है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें ए डैश बी डैश और सी डैश को फाइंड आउट करना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने फर्ज कर लिया इसका नाम ए वेक्टर है इज इक्वल टू आई प्लस थ्री जे माइनस के, बी इज अनदर वन आई माइनस जे माइनस टू के, C इज इक्वल टू माइनस आई प्लस टू जे प्लस टू के। रिमेंबर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डैश बी डैश और सी डैश आर टू बी कैलकुलेटेड। अब इनके फार्मूले के लिए हमें ए डैश का फार्मूला ये है हमारे पास, हमें ए बी सी वेक्टर की जरूरत, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो पहले हम ए बी सी कैलकुलेट करते हैं। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं इस डिटर्मिनेंट के बराबर होती है, पहले ए के कोऑर्डिनेट आएंगे टू थ्री माइनस वन, फिर बी के कोऑर्डिनेट और फिर सी के कोऑर्डिनेट माइनस वन टू टू। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें आर वन से, एक्सपेंड फ्रॉम आर वन, रो वन से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे योर आंसर विल बी ये कॉलम खत्म ये रो खत्म माइनस टू प्लस फोर माइनस थ्री, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म टू माइनस टू। दोबारा देखिए टू माइनस टू, ठीक है माइनस वन इन टू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म टू माइनस वन। फोर में से टू माइनस किए तो आंसर आ गया टू 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 जार फोर माइनस थ्री, नो ये तो जीरो के बराबर आ गया जी, टू माइनस टू जीरो, ये आ गया आंसर माइन, दो में से एक निकाला बाकी रह गया एक माइनस एक, तो स्केल ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास आ गई थ्री के बराबर। अब हमने निकालना है ए डैश। ए डैश का फार्मूला क्या है, ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी। ए बी सी तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है, वो वैल्यूज यहां पे पुट कर दूंगा तो मुझे ए डैश मिल जाएगा ए बी सी। हम सपोज कर देते हैं ये नंबर वन है, बी क्रॉस सी किसके बराबर आया, बी क्रॉस सी बराबर होगा आई जे के। अब बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो क्या है, वन माइनस वन, वन माइनस वन और माइनस टू, और सी के माइनस वन टू टू। इसको एक्सपेंड करें तो बी क्रॉस सी मिलेगा मुझे,
expand from R1, you will get I into, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, -2 +4 -j into, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, ये आ जाएगा 2 -2 +k into, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म 2 -1 राइट दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 में से 2 निकाला आंसर आ गया 2i -0j +k ए डैश किसके बराबर आ गया बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाली आपने 2i +k डिवाइडेड बाई ए बी सी की वैल्यू निकाली आपने 3 तो आंसर आ गया आपका ए डैश की वैल्यू आ गई 2/3i +1/3k सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू यू आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डैश ये मैंने ए डैश निकाल लिया अब मैंने बी डैश निकालना है बी डैश का फॉर्मूला है सी क्रॉस ए ओवर ए बी सी नाउ वी फाइंड सी क्रॉस ए सी क्रॉस ए निकालने के लिए मुझे पहली रो में आई जे के लिखना पड़ेगा फिर आई के सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं -1, 2 and 2 और ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं 2, 3 and -1 इसको एक्सपेंड करें जी आप एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 यू विल गेट I into ये कॉलम खत्म ये रो खत्म -2, -6 -j into ये कॉलम खत्म ये रो खत्म 1, -4 +k into ये कॉलम खत्म ये रो खत्म -3, -4 आपका आंसर आ गया -8i +3j 4 में से एक निकाला बाकी रह गए 3 -3 माइनस मल्टीप्लाई होगा +3 -7k अब बी डैश का फॉर्मूला क्या है हमारे पास बी डैश इज इक्वल टू सी क्रॉस ए ओवर एबीसी सी क्रॉस ए आ गया जी -8i +3j -7k ओवर 3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/3i +j -7/3k बी डैश आपने निकाल लिया अब हम सी डैश की वैल्यू निकालते हैं नाउ वी फाइंड सी डैश सी डैश बराबर होता है ए क्रॉस बी ओवर ए बी सी तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे पहली रो में लिखेंगे आई जे के फिर ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, -1 और बी के कोऑर्डिनेट 1, -1, -2 इसको एक्सपेंड कर दें एक्सपेंड फ्रॉम आर वन व्हाट यू विल गेट ये कॉलम खत्म ये रो खत्म -6, -1, -j into -4, +1, +k into ये कॉलम खत्म ये रो खत्म -2, -3 दिस इज फर्दर इक्वल टू -7i ये -3 आएगा +3j -5k सी डैश का फॉर्मूला क्या था ए क्रॉस बी ओवर ए बी सी ए क्रॉस बी की जगह पे आ गया -7i +3j -5k
डिवाइडेड बाई 3। तो व्हाट इज सी डैश? सी डैश इज इक्वल टू -7/3 आई प्लस जे -5/3 के। तो आपने ए डैश भी निकाल लिया, बी डैश भी निकाल लिया, सी डैश भी निकाल लिया, और यही आपने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 38 इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में मैंने एक प्रूफ किया था कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर हैं तो फिर ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश की प्रोडक्ट, दोनों की जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसका आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ये पेज नंबर 64 जो पिछला लेक्चर मैंने दिया है उसमें मैंने ये थ्योरम नंबर 3 था जिसके अंदर मैंने इसको प्रूफ किया था। और अब इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं ये साबित करूंगा कि ए जो है ये इसके बराबर है, क्योंकि ये गिवन इन द स्टेटमेंट है कि ए डैश ये रेसिप्रोकल ट्रेड सिस्टम दिया हुआ है। अब हमने साबित करना है कि ए किसके बराबर होगा? बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर ए डैश बी डैश सी डैश। यहां पे ए डैश बी डैश सी डैश ए बी सी की फॉर्म में थी, यहां पे ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश की फॉर्म में आएंगे, यानी उसका उलट है ये। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट वी प्रूफ, पहले हम साबित करेंगे कि ए जो है ये बराबर है बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम, राइट हैंड साइड लेके तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर देते हैं। ये आ गया बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर ए डैश बी डैश सी डैश। अब बी डैश की वैल्यू किसके बराबर है? बट बी डैश बराबर है सी क्रॉस ए ओवर ए बी सी, और सी डैश किसके बराबर है? सी डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए बी सी। तो अब हम मैं क्या करने वाला हूं, बी डैश और सी डैश की वैल्यूज यहां पे पुट करूंगा। बी डैश की वैल्यू क्या है? सी क्रॉस ए क्रॉस सी डैश की वैल्यू क्या है? ए क्रॉस बी ओवर, अब बी डैश के नीचे एबीसी ने भी आना है, एबीसी ये वाला, और सी डैश के नीचे भी एबीसी ने आना है एबीसी, और एक ए डैश बी डैश सी डैश ऑलरेडी यहां पे मौजूद था बी डैश सी डैश। ठीक हो गया। मैं सपोज कर लेता हूं लेट सी क्रॉस ए का नाम कैपिटल ए है, तो फिर मेरी राइट हैंड साइड क्या बनेगी? ए क्रॉस बी ओवर ये एबीसी, एबीसी मिलके कितना बन गया? एबीसी का स्क्वायर इनटू ए डैश बी डैश सी डैश। राइट राइट। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी जो है उसकी। वो प्रॉपर्टी क्या थी? ये पहले अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड को डिस्कस कर रहे हैं हम। ए मल्टीप्लाई होगा अपने से दूर वाले के साथ, ए डॉट बी और ए साथ एज इट इज आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा अपने वाले नजदीक वाले के साथ, ए डॉट ए, और साथ क्या आएगा? बी ओवर ए बी सी का स्क्वायर इनटू ए डैश बी डैश सी डैश। अब ए की वैल्यू क्या है?
एट का तो नाम रखा था हमने सी क्रॉस ए, बट कैपिटल ए किसके बराबर है, सी क्रॉस ए का नाम रखा था, तो अब ए की जगह पे आ गया सी क्रॉस ए, तो ये आ गया सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस सी क्रॉस ए डॉट ए ओवर ए बी सी का स्क्वायर, ए डैश बी डैश सी डैश, राइट राइट, इफ एनी टू वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल देन इट्स वैल्यू इज जीरो, तो फिर सी क्रॉस ए डॉट ए किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, और सी क्रॉस ए डॉट बी को हम सी ए बी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, तो यहां पे फिर आ गया सी ए बी, सी ए बी क्योंकि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, माइनस इसकी जगह पे आ गया जीरो इंटू बी ओवर ए बी सी का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर इंटू ए डैश बी डैश सी डैश, साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू वन लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज्ड, सॉरी यहां पे ए मिस हो गया, बट सी ए बी और ए बी सी किसके बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, सी ए बी इज इक्वल टू ए बी सी, साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज में हमने साबित किया हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये फिर आ गया ए बी सी इंटू ए ओवर ए बी सी का स्क्वायर, और हमें ये भी मालूम है कि बट ए डैश बी डैश सी डैश बराबर होता है वन ओवर ए बी सी के, ये पेज नंबर 64 के ऊपर हमने ये साबित किया हुआ है, इससे पिछले वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने साबित किया था कि इन दोनों की प्रोडक्ट वन के बराबर होती है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, इसका प्रूफ आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, तो ए डैश बी डैश सी डैश की जगह पे क्या आ गया, वन ओवर ए बी सी, राइट, ये स्क्वायर है ये ए बी सी है, दोनों आपस में खत्म फिनिश खलास, और नीचे सिर्फ क्या बच गया ए बी सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ खत्म फिनिश खलास, तो ये देखिए आपने साबित कर दिया, राइट हैंड साइड क्या थी आपकी, बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर ए डैश बी डैश सी डैश को हमने ए के बराबर साबित कर दिया, इसी तरीके से आप बी इज इक्वल टू सी डैश क्रॉस ए डैश लेंगे तो साबित कर देंगे कि वो बी के बराबर है, सी डैश की कीमत पुट करके ए डैश की कीमत पुट करके इसी तरह सब्स्टिट्यूशन करके, द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एंड आई एम 110% श्योर कि आप इसको खुद कर लेंगे, तो बी डैश एंड सी डैश आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करते हैं, अगर ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश रेसिप्रोकल ट्रेड सिस्टम है तो आपने साबित करना है ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इज इक्वल टू नल वेक्टर, जीरो वेक्टर के बराबर है, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर, तो आइए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश सी क्रॉस सी डैश। अब ए डैश की कीमत क्या है, बट ए डैश तो बराबर था बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी, बी डैश बराबर था सी क्रॉस ए ओवर ए बी सी और सी डैश बराबर था ए क्रॉस बी ओवर ए बी सी। ठीक 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 ठीक। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्रॉस ए डैश की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी मैंने बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी सी क्रॉस ए ओवर ए बी सी प्लस सी क्रॉस सी डैश, सी डैश की वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी ओवर ए बी सी। अब हम इसके ऊपर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये पहले अपने से दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा ए डॉट सी और साथ आ जाएगा बी, फिर माइनस ये नजदीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी साथ आएगा सी ओवर ए बी सी प्लस इसके ऊपर जब डेफिनेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा बी डॉट ए, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये सात सी फिर माइनस बी डॉट सी साथ ए आ जाएगा राइट ओवर ए बी सी। उसके बाद इसकी बारी आती है प्लस ये सी अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा सी डॉट बी इंटू ए, फिर ये अपने से नजदीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा सी डॉट ए इंटू बी ओवर ए बी सी। अब इसका एलसीएम जब लेंगे आप तो वो ए बी सी के बराबर आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू ए डॉट सी, या ऐसा करें कि ए बी सी को बाहर कॉमन है निकाल लें, ये देखिए डिनोमिनेटर में है वन ओवर ए बी सी को मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। डॉट प्रोडक्ट चूंकि कमोटेटिव होती है तो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव माइनस बी डॉट सी इंटू ए। ये सी डॉट बी है, सी डॉट बी को आप क्या लिखेंगे बी डॉट सी, समथिंग मिस, दो इसके पूरे हो गए, दो इसके पूरे हो गए बी डॉट सी। ये भी ये सी डॉट बी है तो ये आ जाएगा बी डॉट सी इंटू ए माइनस ये सी डॉट ए है इसको आप ए डॉट सी लिख सकते हैं ओवर वो ए बी सी कॉमन आ गया जी। अब ये देखिए कुछ कैंसलाइजेशन होगी, ये ए डॉट सी इंटू बी है, ए डॉट सी इंटू बी ये इसके साथ ये वाला और ये वाला दोनों आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद ए डॉट बी इंटू सी, ए डॉट बी इंटू सी ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, इसी तरह ये दोनों आपस में खत्म। तो आपके पास क्या आ गया जीरो, जीरो वेक्टर ओवर ए बी सी विच इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 40, स्टेटमेंट सेम है, इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम, तो आपने साबित करना है
कि ए डॉट ए डैश प्लस बी डॉट बी डैश प्लस सी डॉट सी डैश इज इक्वल टू 3 के बराबर है। हम इसके लिए लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और प्रूफ कर देंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। आइए लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट ए डैश प्लस बी डॉट बी डैश सी डॉट सी डैश। अब ए डैश किसके बराबर होता है? बट ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी। फिर आ गया बी डैश इज इक्वल टू सी क्रॉस ए ओवर ए बी सी। फिर आ गया सी डैश ए क्रॉस बी ओवर ए बी सी। इन वैल्यूज के बारे में आप जानते हैं कि ये ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट ए डैश की जगह पे आ गया बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी प्लस बी डॉट बी डैश की जगह पे क्या आ गया सी क्रॉस ए ओवर ए बी सी प्लस सी डॉट सी डैश की जगह पे आ गया ए क्रॉस बी ओवर ए बी सी। नाउ स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, यू कैन सी दैट ए बी सी इज कॉमन थ्रू आउट एंड डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल हैं तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि वन ओवर ए बी सी तो मैंने कॉमन निकाल लिया यहां से ए बी सी। ब्रैकेट के अंदर आ गया ए बी सी प्लस ये रह गया बी सी ए प्लस ये आ रह जाएगा सी ए बी। ठीक 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 ये ब्रैकेट चूंकि इस्तेमाल हो रही है तो ये वाली कर लेते हैं हम। अब हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है कि साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव इट्स वैल्यू अनचेंज। तो ए बी सी किसके बराबर होता है? बी सी ए और सी ए बी के बराबर भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे भी हम ए बी सी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे भी ए बी सी लिख सकते हैं। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इट विल बिकम वन ओवर ए बी सी। ब्रैकेट के अंदर आ गया ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ओहो ओहो प्लस ए बी सी। ठीक 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 ये तीनों एक तरह के रकमे हैं। ठीक है तो तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 3 टाइम ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। खत्म फिनिश खलास। और आपके पास क्या आ गया? 3 विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, तो फिर आपने साबित करना है कि ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर तीनों वेक्टरों का सम आ जाएगा और नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, इसको आपने करना क्या है? इसको हल करने का तरीका ये है कि पहले आप ए डैश और बी डैश को कैलकुलेट करेंगे। ए डैश क्रॉस बी डैश, ए डैश की वैल्यू क्या होगी? बी क्रॉस सी, और बी डैश की वैल्यू क्या होगी? सी क्रॉस ए। इसके नीचे भी ए बी सी आएगा, इसके नीचे भी ए बी सी आएगा, ए बी सी ए बी सी। उसके बाद फिर आप इसका नाम रखेंगे ए, लेट बी क्रॉस सी कैपिटल ए रख के, तो फिर इसके ऊपर आप लगाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, ए क्रॉस सी क्रॉस ए ओवर ए बी सी का स्क्वायर।
ठीक हो गया जी। इसके ऊपर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ए डैश क्रॉस बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। फिर सिमिलरली आप बी डैश सी डैश निकालेंगे और सी डैश क्रॉस ए डैश निकालेंगे। जब बी डैश सी डैश निकालेंगे तो ये इसकी जगह पे आएगा ना, सी क्रॉस ए ओवर ए बी सी, इसकी जगह पे आएगा ए क्रॉस बी ओवर ए बी सी। तो फिर सी क्रॉस ए का नाम आपने बी रख लेना है, इसी तरीके से फिर प्रॉपर्टी लगा के तो उसको हल कर लेना है। फिर तीनों को आप ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसका हिंट मैंने आपको दे दिया है, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ये आप कर लेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब रेड कलर का, जस्ट आपने इसको पुश करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो फिर बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, तो फिर जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।